हेलो एवरीवन वेलकम अगेन अवर यूट्यूब चैनल सट्राइड योर नॉलेज मैं हूं आपका दोस्त विशाल आज हम कवर करेंगे फिफ्थ मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर तो चलो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट रैंक डिड इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया ने कौन सा रैंक एक्वायर किया है ऑप्शन 163 बी ऑप्शन 133 सी ऑप्शन 152 डी ऑप्शन 161 तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन 161 टॉप इन दिस लिस्ट आयरलैंड वाज इन द सेकंड पोजीशन तो इस लिस्ट में नॉर्वे ने टॉप किया है और सेकंड पोजीशन पे आयरलैंड है द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कलेक्टेड डेटा तो इस डेटा को कलेक्ट किया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने Recent Index, World Bank's Logistics Performance Index 2023, India Rank 38, World's Most Criminal Countries Ranking, India Rank 77th, top by Venezuela. Stanford University's Annual AI Index Report 2023, India Rank 5th, top by USA. Passport Index 2023, published by Orton Capital, India Rank at 144, top by UAE. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द प्रस्टिजियस गोल्डन ग्लोब रेस 2000-2022। तो प्रस्टिजियस गोल्डन ग्लोब रेस 2000-2022 को कंप्लीट करने वाले फर्स्ट इंडियन कौन बन गए हैं ए ऑप्शन अविलास टोमी बी ऑप्शन आरती शर्मा सी ऑप्शन शिखा टंडन डी ऑप्शन शिवानी कटरिया तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन अविलास टोमी नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज़ द फर्स्ट राफेल लेडी पायलट शिवांगी सिंह पार्टिसिपेटिंग इन ओरियन मिलिट्री एक्सरसाइज 2023 बिलोंग टू तो बिच स्टेट तो इंडिया की फर्स्ट राफेल लेडी पायलट शिवांगी सिंह ओरियन मिलिट्री एक्सरसाइज 2023 को पार्टिसिपेट करी है वह किस स्टेट से बिलोंग करती है ये ऑप्शन आंध्र प्रदेश बी ऑप्शन बिहार सी ऑप्शन केरल तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन बिहार नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी इज होस्टिंग यूथ ट्वेंटी सेमिनार ऑन शेयर फ्यूचर यूथ इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस तो कौन सी यूनिवर्सिटी शेयर फ्यूचर यूथ इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस पर यूथ ट्वेंटी सेमिनार को होस्ट करी है ये ऑप्शन कैलकत्ता यूनिवर्सिटी बी ऑप्शन मद्रास यूनिवर्सिटी सी ऑप्शन मणिपुर यूनिवर्सिटी डी ऑप्शन हैदराबाद यूनिवर्सिटी तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन मणिपुर यूनिवर्सिटी नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे टू ऑनर द बरे पीपल इज एनुअली ऑब्जर्व ऑन विच डे तो एनुअली इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे बरे पीपल को सम्मानित करने के लिए किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है ए ऑप्शन मई थर्ड बी ऑप्शन मई फिफ्थ सी ऑप्शन मई एट डी ऑप्शन मई फोर तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन मई फोर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हॉलीवुड एक्टर विल रिसीव ऑनररी पाम डी ओर प्राइज एट कैनस फिल्म फेस्टिवल 2023 तो कैनस फिल्म फेस्टिवल 2023 में कौन कौन से हॉलीवुड एक्टर ऑनरेडी पाम डी ओर प्राइज रिसीव करेंगे ए ऑप्शन मार्टिन शीम बी ऑप्शन टोम क्रियूस सी ऑप्शन माइकल दोगलस डी ऑप्शन जैक निकल्सन तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन माइकल दोगलस नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट फ्रेंचाइज बेस्ड ग्लोबल चैस लीग इन 2023? तो so, 2023 में फर्स्ट फ्रेंचाइज बेस्ड ग्लोबल चेस लीग कौन सी कंट्री होस्ट करेगी ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया बी ऑप्शन टर्की सी ऑप्शन इजिप्ट डी ऑप्शन दुबई तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन दुबई नेक्स्ट क्वेश्चन है विज यूनिवर्सिटी लॉन्च द सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन पोर्टल तो किस यूनिवर्सिटी ने सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन पोर्टल को लॉन्च किया है यह ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स बी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट सी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द प्रिपेरस एंड रेजिलियंस फॉर इमरजिंग थ्रेट्स इनिशिएटिव तो किस इंस्टीट्यूशन ने प्रिपेयरनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमरजिंग थ्रेट इनिशिएटिव लॉन्च किया है ये ऑप्शन यूनिसेफन आई एम एफ सी ऑप्शन डबल्यू एच ओ डी ऑप्शन डबल्यू ई एफ तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन डब्ल्यू एच ओ नेक्स्ट क्वेश्चन है बिच ट्राइब इज प्लेंग ए मेजर रोल इन प्रोटेक्टिंग हॉर्नविल प्रोजेक्ट तो प्रोटेक्ट हॉर्नविल प्रोजेक्ट को कौन सी ट्राइब मेजर रोल प्ले करी है प्रोटेक्ट करने में ये ऑप्शन निशी ट्राइब बी ऑप्शन बाइगा ट्राइब सी ऑप्शन बोडो ट्राइब डी ऑप्शन बिहील ट्राइब तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन निशी ट्राइब नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एडिशन ऑफ द एशियन इंडिया मेरी टाइम एक्सरसाइज हैज स्टार्टड इन विच कंट्री तो एशियन इंडिया मेरी एक्साइज का फर्स्ट एडिशन किस कंट्री में शुरू हुआ ये ऑप्शन तंजानिया, बी ऑप्शन बांग्लादेश सी ऑप्शन ओमान डी ऑप्शन सिंगापुर तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन सिंगापुर रिसेंट एक्साइज आप चेक कर लेना नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र डिप्टी सी एम देवेंद्र फर्नांडिस हैज़ रिसेंटली अनवील ए स्टैचू ऑफ मराठा वॉरियर किंग छत्रपति शिवाजी महाराज इन विच कंट्री तो महाराष्ट्र के डिप्टी सी एम देवेंद्र फर्नाडिस ने किस कंट्री में मराठा वॉरियर किंग छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्टैचू अनवील किया है ए ऑप्शन ईरान बी ऑप्शन मालदीव सी ऑप्शन भूटान डी ऑप्शन मोरीशियस तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन मोरीशियस अबाउट मोरीशियस मोरिशियस की कैपिटल है पोर्ट लुइस करेंसी है रूपे और पी एम है मोरीशियस के प्रविंद जगन्नाथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन ए ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स तो बाफ्ता से किसे सम्मानित किया गया है ये ऑप्शन दलाई लामा बी ऑप्शन नेली बैंडापूडी सी ऑप्शन रघुराम पिल्लर से डी ऑप्शन मीरा सियाल तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन मीरा सियाल ये रिसेंट अवार्ड्स आपको चेक कर लेना नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल कोलेक्टिव स्पिरिट कंसेंट्रेट एक्शन तो कोलेक्टिव स्पिरिट कंसेंट्रेट एक्शन के बुक के ऑथर कौन है ए ऑप्शन अमिताभ घोष बी ऑप्शन विक्रम सेठ सी ऑप्शन शशि शेखर बेमपति डी ऑप्शन अरविंद अडीगा तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन शशि शेखर बेमपति रिसेंट बुक्स आपको चेक कर लेना तो आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की वीडियो बस इतना तक की थी मिलता विशाल आपसे नेक्स्ट वीडियो में हर रोज कुछ नया सीखते रहो और अपनी फील्ड में आगे बढ़ते रहो जय हिंद जय जा भारत